जब आप सार्वजनिक स्थान पर होते हैं तो उसमें सार्वजनिक मर्यादाओं का पालन करना जरूरी होता है। ऐसी तस्वीरों से ही बिहार बदनाम होता है, बिहार की छवि खराब होती है, बिहारियों की छवि खराब होती है। अब ये सत्ता का गुरूर है या मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता कि मानसिकता ने कम से कम विधायकों पर, जो थोड़े बहुत अब उनके पास इस बार जीत कर आए हैं, उन पर जरूर इस तरीके की कार्रवाई करने देना, सिलेबस में से हटा देना। इस पर मेरा भी कड़ा एतराज है, कड़ा विरोध मैं उस पर मैं दर्ज कराता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर होते हैं तो कई सार्वजनिक मर्यादाएं हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर मुझे जो बताया गया कि वो ट्रेन में थे और वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में कई महिलाएं भी थीं, कई पुरुष भी थे जिन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। जैसा मैंने कहा कि जब आप सार्वजनिक स्थान पर होते हैं तो उसमें सार्वजनिक मर्यादाओं का पालन करना जरूरी होता है। ट्रेन में हंगामा करना, तेजस एक्सप्रेस में चलना और फिर इस तरह की फोटोज वो बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, जेडीयू के विधायक हैं, वो जेडीयू जो नीतीश कुमार को पीएम मेडल बता रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरों से ही बिहार बदनाम होता है, बिहार की छवि खराब होती है, बिहारियों की छवि खराब होती है। अब ये सत्ता का गुरूर है या मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता कि मानसिकता, ये ज़्यादा बेहतर विधायक जी ही बताएंगे, पर ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए जिससे हमारे प्रदेश की छवि खराब होती है और अपने कम से कम विधायकों पर, जो थोड़े बहुत अब उनके पास इस बार जीत कर आए हैं, उन पर ज़रूर इस तरीके की कार्रवाई करें ताकि भविष्य में बिहार की छवि कोई और विधायक इस तरीके से खराब ना करें। नहीं, देखिए, आपने नए सिलेबस को जोड़ा, उसका उसमें हम लोगों को कहीं कोई चिंता नहीं है। आप जोड़िए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, जिनके जो भी नए विषय आपने उसमें जोड़े हैं उसका हम लोग पूरी तरीके से हम लोग स्वागत करते हैं। पर हाँ, जिन महापुरुषों के बारे में पहले से पढ़ाया जा रहा था उनको उसमें से हटा देना, सिलेबस में से हटा देना, इस पर मेरा भी कड़ा एतराज़ है, कड़ा विरोध मैं उस पर मैं दर्ज कराता हूँ। भाई, यही महापुरुष हैं जिनसे सीख लेकर आने वाली पीढ़ी अपने आप ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत बनाएगी, उनको सिलेबस में से हटा देना। आप नए महापुरुषों का नाम आप जोड़िए, ज़रूर जोड़िए, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने प्रदेश के लिए, जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, उनको ज़रूर जोड़िए। बट जो महापुरुषों के बारे में पहले से जो बच्चों को बढ़ाया जा रहा था उसको वहाँ से काट कर उसके स्थान पर देना, ये गलत है। ABP News, आपको रखे आगे।